कहानी की शुरुआत में हमें एक परी दिखाई जाती है जिसका नाम जरीना होता है। ये बाकी फेरीज के साथ पिक्सी हॉलोज में रहती है जो कि बहुत सुंदर जगह है। हम देखते हैं कि जरीना अपने दोस्तों के साथ काम पर जा रही थी जहाँ पर वो पिक्सी डस्ट पैक करती है। पिक्सी डस्ट एक मैजिकल डस्ट होती है। इन सबका काम पिक्सी डस्ट का ध्यान रखना और उसे पैकिंग करना होता है, इसलिए इन्हें डस्ट कीपर भी कहा जाता है, यानी कि डस्ट को संभालने वाले। लेकिन इनको इजाजत नहीं थी कि इस पर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट कोई कर सके। लेकिन इन परियों में वो परी जिसका नाम जरीना है, वो इस पिक्सी डस्ट के बारे में बहुत सारे सवाल के जवाब ढूंढती रहती थी। वो अपने फ्रेंड से भी पूछती थी, अगर हम डस्ट को पैक करते हैं तो जैसे कि वैसे ही रहती है, अगर हम इस डस्ट को अपने सर पर या किसी भी चीज पर फेंक दे तो वो चीज उड़ने लगती है और हिलना शुरू हो जाती है, यानी कि मैं इसे अपने बालों पर लगा लूँ तो मेरे बाल जैसे उड़ रहे हैं। सुनने पर वो फेरीज से कहती है कि हाँ, पिक्सी डस्ट ऐसे ही काम करती है, इसलिए ऐसा ही होगा। मगर ये कहती है, सवाल तो ये उठता है कि ऐसा क्यों होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सुपरवाइजर आ जाते हैं जिनका कहना था कि पिक्सी डस्ट की सुरक्षा के लिए जिस परी को जाना है वो तैयार हो जाए। अब उन्हें बताया जाता है कि वो फेरी तो आज आई ही नहीं। ये सुनकर जरीना तो बहुत खुश हो जाती है और ये सुनकर बहुत सारी फेरीज को ये काफी अजीब लगता है। और जरीना इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि अगर वो फेरी आज एब्सेंट है तो जरूर इसे बुलाया जाएगा ब्लू पिक्सी डस्ट की सुरक्षा के लिए। और फिर बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर सुपरवाइजर जरीना को वहाँ से ले जाता है। अब हमेशा की तरह जरीना ब्लू पिक्सी डस्ट के लिए जाती है तो पहले जैसे ही बहुत सारे सवाल पूछती है, जैसे कि सुपरवाइजर कहता है कि पिक्सी डस्ट का इतना ही यूज करो, तो वह कहती है इतना ही क्यों, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं। पहले भी सुपरवाइजर इसे समझा चुके थे और आज भी समझा रहे थे कि हमें पिक्सी डस्ट पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए जिसकी हमें इजाजत नहीं है, जितना कहा है बस उतना ही करो। अगले सीन में भी हमें जरीना को सुपरवाइजर के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर जरीना सुपरवाइजर को कहती है कि हमें पिक्सी डस्ट पर एक्सपेरिमेंट कर लेनी चाहिए, मगर वो उसे मना कर देता है। और अब वो कह रही होती है कि पर्पल, पिंक, ऑरेंज ऐसे कलर्स भी हो सकते हैं। ये सुनकर सुपरवाइजर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो आज तक ऐसी पिंक कलर की डस्ट नहीं देख पाया क्योंकि ऐसी डस्ट कोई होती नहीं है। तो जरीना कहती है, नहीं होती तो बनाई जा सकती है ना। सुपरवाइजर कहता है कि ऐसा मत करो, मैंने पहले भी कहा है पिक्सी डस्ट पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल हो सकता है, इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। फिर जरीना घर लौट आती है। ये अपने घर पर पिक्सी डस्ट साथ ले आई थी, वो उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करती है। इसने अपनी बुक में लिख भी रखा था कि किस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव है और किस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नेगेटिव है। इसके दिमाग में फिर से कोई बात आती है और वो एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो ऑरेंज पिक्सी डस्ट बना लेती है जो कि पहले किसी ने नहीं बनाई थी। फिर वो सबसे पहले अपने फ्रेंड टिंट के पास जाती है और उसे अपनी बनाई ऑरेंज पिक्सी डस्ट दिखाती है और पिंक पिक्सी डस्ट भी बना लेती है। ये सब देखकर उसकी फ्रेंड भी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि अब रुक जाओ, इतनी जल्दी इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। मगर जरीना नहीं रुकती और बातें करते करते इसका पैर फिसल जाता है और नीले रंग की पिक्सी डस्ट एक पौधे पर गिर जाती है। वो पौधा देखते ही देखते बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते वो इतना बड़ा हो गया था कि वो पिक्सी हॉलोज की चीजों को बर्बाद करने लगा था और इससे काफी नुकसान भी हो जाता है। इससे सभी लोग डर गए थे, लेकिन सुपरवाइजर सारी बात समझ जाता है। वो जल्दी से जरीना के पास आता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि पिक्सी डस्ट के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज से तुम एक डस्ट कीपर नहीं हो क्योंकि अगर मैं तुम्हें डस्ट कीपर रखूंगा तो तुम बड़े बड़े नुकसान कर सकती हो। जरीना को सुपरवाइजर की बातें बहुत बुरी लगती है। फिर जरीना अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। पिक्सी हॉलोज में एक फेस्टिवल चल रहा था, सभी फेरीज अपने टैलेंट्स दिखा रही थी। इसी बीच जरीना की एक फ्रेंड जरीना को देख लेती है जो कि चुपके से यहाँ पर आ गई है। वो सब लोगों पर पिंक कलर की पिक्सी डस्ट फेंक देती है। इस डस्ट के कारण वहाँ पर मौजूद सभी फेरीज बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जरीना ब्लू पिक्सी डस्ट को लेकर वहाँ से भागने लगी थी। ब्लू पिक्सी डस्ट सबसे पावरफुल डस्ट होती है। जरीना के फ्रेंड ने उसे देख लिया था तो वो उसे भी लॉक करके चली जाती है। फिर कुछ वक्त बाद उसे फ्री किया जाता है। ये सारी फेरीज बहुत चिंतित हो जाती है क्योंकि जरीना बहुत चिंतित
ये सारी फेरीज बहुत चिंतित हो जाती है क्योंकि जरीना के पास जो ब्लू पिक्सी डस्ट थी उसी की मदद से ये फेरीज उड़ सकती थी और अब ये उड़ नहीं पाएंगी। अब सभी फेरीज कहती है हमें जरीना को तुरंत पकड़ना होगा और उससे ब्लू पिक्सी डस्ट वापस लेनी होगी। अब ये सभी फेरीज मिलकर जरीना का पीछा करते हैं क्योंकि जरीना के पास जो पिक्सी डस्ट थी वो बहुत ज्यादा चमकीली थी तो वो उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। तभी उड़ते उड़ते उन्हें एक ब्लू चमकदार चीज दिखाई देती है। वो फेरी समझ जाती है कि वही जरीना है और ये जरीना को एक जहाज की तरफ जाते हुए देख लेते हैं। जहाज पर बहुत सारे पायरेट्स होते हैं। इन फेरीज को लगता है कि शायद जरीना को इन लोगों ने पकड़ लिया है और उसे मजबूर किया होगा ब्लू पिक्सी डस्ट लाने के लिए। मगर जब ये सारी फेरीज उन पायरेट्स के पास जाती है, उनके जहाज के पास उनकी बातें सुनती है, तो उन्हें पता चलता है कि उन पायरेट ने जरीना को अपना कैप्टन बनाया है। जरीना तो खुद की मर्जी से उन पायरेट्स की मदद कर रही थी। ये समझने के बाद उन फेरीज को बहुत बुरा लगता है। अब सारी फेरीज मिलकर जरीना से वो ब्लू पिक्सी डस्ट छीन लेती है तो जरीना उनका पीछा करती है और उन पर मल्टी कलर की पिक्सी डस्ट फेंक देती है जिससे कि सारी परीज बेहोश हो जाती है। जब इन्हें होश आता है तो इन्हें पता चलता है कि इनकी पावर्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई है। जिसके पास पानी की पावर थी उसके पास एनिमल की पावर आ गई है और जिसके पास लाइट की पावर थी उसके पास गार्डन की पावर आ गई है। इधर जरीना पायरेट्स के साथ जहाज पर चली जाती है। इधर एक फेरी की गलती की वजह से एक मगरमच्छ का अंडा टूट जाता है। अब उस अंडे में से जो बेबी मगरमच्छ निकलता है तो वो उस फेरी को अपनी मॉम समझने लगता है और उसे प्यार करने लगता है। फिर हम देखते हैं फेरी जहाज की ओर जाती है। वहाँ पर ये फेरी पायरेट्स की बातें चुपके से सुनती है तो वो पायरेट्स कह रहे होते हैं कि कैसे उन्हें जरीना मिली और पहले उन्हें ये भी नहीं पता था कि इनकी जिंदगी का मकसद क्या है। कभी इधर तो कभी उधर भटकते थे और जब इन्हें जरीना मिली तो इनका जीवन बदल सा गया। जरीना ने इन्हें बताया कि उन्हें ये उड़ा सकती है, इन्हीं नहीं बल्कि इनकी पूरे जहाज को उड़ा सकती है। इसलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। ये तो पहले ही पायरेट्स थे तो पूरी दुनिया को लूट कर आसमान में उड़ सकते थे और इन्हें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। इधर उन फेरीज को उनका ठिकाना मिल जाता है। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जरीना ने उन पायरेट्स के लिए पिक्सी डस्ट का एक बड़ा सा पेड़ बना रखा था। अब इन फेरीज को इनके सबके इरादों के बारे में पता चल गया था। जरीना भी इनका साथ दे रही थी लेकिन फेरीज कोशिश करती है कि कैसे भी करके इन लोगों से ब्लू पिक्सी डस्ट छीन ली जाए। जब जरीना ब्लू पिक्सी डस्ट पर काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर केबिन बॉय हुक भी आ जाता है। इसी बीच ये फेरीज चुपके से पीछे से ब्लू पिक्सी डस्ट उठा लेती है। अब फेरीज इस ब्लू पिक्सी डस्ट को अपने साथ ले जाना चाहती थी मगर इनको अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करना नहीं आ रहा था। अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल ना आने के कारण ये लोग पकड़ी जाती है। अब ये सारी फेरी जरीना से कहती है कि हमारे साथ पिक्सी हॉलर्स वापस लौट चलो, वही तुम्हारा घर है, यह तुम्हारी जगह नहीं। लेकिन जरीना एक भी बात नहीं सुनती, उनसे कहती है कि मैं कभी भी उस जगह पर वापस नहीं आऊंगी क्योंकि उसे लगता है कि किसी को भी उसके टैलेंट की कोई कदर नहीं है और कोई भी उसकी तारीफ नहीं करेगा। इसके बाद वो सभी फेरीज को बंदी बना लेती है। फेरीज खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन फेरीज फिर भी पकड़ी जाती है। जिस पिंजरे में इन्हें रखा होता है उस पर एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं ताकि ये सब पिंजरे से बाहर ना निकल पाए। अगले सीन में जरीना को और उस केबिन बॉय को दिखाया जाता है। जरीना केबिन बॉय के ऊपर डस्ट फेंक देती है तो वो उड़ने लगता है। जरीना के एक्सपेरिमेंट्स अब सफल हो गए थे, वो केबिन बॉय भी बहुत खुश हो गया था इसलिए वो इधर उधर उड़ने लगता है। वो केबिन बॉय अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें बताता है जरीना ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, देखो मैं आज उड़ रहा हूँ और तुम लोग भी उड़ सकते हो। केबिन बॉय ये कहकर जरीना को पकड़ लेता है, उसने जरीना को धोखा दिया था, अब ये खुद को कैप्टन कहने लगा था। इसके बाद वो जरीना को अपना बंदी बना लेता है। अब वहाँ पर वो बेबी मगरमच्छ भी आ जाता है जो कि फेरीज को अपनी मॉम समझता है। वो मगरमच्छ सारी फेरीज को आजाद कर देता है और अब वो फेरीज फिर से ब्लू पिक्सी डस्ट उठाकर वहाँ से जाने लगती है तो वो केबिन बॉय उसे बताता है कि उसने जरीना को बंदी बना लिया है और उससे वो ब्लू पिक्सी डस्ट चाहिए वरना वो जरीना को समंदर में फेंक देगा। इसलिए फेरीज उसे वो ब्लू पिक्सी डस्ट दे देती है लेकिन फिर भी केबिन बॉय जरीना को समंदर में फेंक देता है। सभी फेरीज मिलकर जरीना की जान बचा लेती है, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है।
वो अब उस कैबिन बॉय से बदला जरूर लेगी। इधर हम उन पायरेट्स को देखते हैं जो कि आसमान में उड़ना चाहते थे। वो पिक्सी डस्ट अपने जहाज पर फेंक देते हैं जिससे कि उनका जहाज हवा में उड़ने लगता है। वो पायरेट्स अब सेकंड स्टार की तरफ जाने लगते हैं। ज़रीना फेरीज को कहती है तुम लोग जहाज की साइज चेंज करो, अगर जहाज सेकंड स्टार की ओर चला गया तो हम कभी भी पिक्सी डस्ट को वापस नहीं ला पाएंगे। ज़रीना कहती है मेरा काम अब बस कैबिन बॉय से लड़ना है और बाकी फेरीज का दूसरे पायरेट से लड़ना। अब फेरीज उन पायरेट से लड़ने लगती है क्योंकि अगर जहाज सेकंड स्टार की तरफ चला गया तो पूरी दुनिया पर इन पायरेट्स का ही राज हो जाएगा। यहाँ हम बेबी मगरमच्छ को भी देखते हैं जो कि फेरीज की मदद करने पहुँच गया था। पायरेट्स फेरीज को अपने बंदी बना लेते हैं। इधर ज़रीना कैबिन बॉय से ब्लू पिक्सी डस्ट लेने की कोशिश करती है। पायरेट्स को लगता है कि वो अब जीतने वाले हैं। इधर ज़रीना कैबिन बॉय पर ब्लू पिक्सी डस्ट की एक बूंद फेंकती है। ये ब्लू पिक्सी डस्ट की सिर्फ एक ही बूंद होती है लेकिन जब ब्लू और येलो पिक्सी डस्ट की बूंद मिक्स हो जाती है तो वो कैबिन बॉय पूरी विचित्र तरीके से उड़ने लगता है। इसके बाद वो ज़रीना सभी फेरीज को फ्री कर देती है और पायरेट्स को समुंदर में फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि ज़रीना फेरीज को ब्लू पिक्सी डस्ट वापस कर देती है और निकलने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे रोकती है और कहती है कि तुम पिक्सी हॉलोज क्यों नहीं चलती। फिर हम देखते हैं कि सभी फेरीज जहाज को लेकर पिक्सी हॉलोज की तरफ उड़ती है। जहाज सभी फेरीज अभी भी सो रही थी और ज़रीना उन पर पिक्सी डस्ट फेंक कर उन्हें जगा देती है। सभी फेरी जहाज को देखकर काफी चौंक जाती है। सुपरवाइजर जब ज़रीना को देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है। ज़रीना सुपरवाइजर से माफी मांगना चाहती थी और वो ये भी कहना चाहती थी कि वो आज के बाद ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कभी नहीं करेगी। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड उसे रोक लेती है और उससे कहती है तुम्हें तुम्हारा टैलेंट सबको दिखाना चाहिए। फिर ज़रीना को कहा जाता है कि स्टेज तुम्हारा है और वो सभी फेरीज को अपना टैलेंट दिखाते हुए चौंका देती है। सभी फेरीज बहुत खुश होती है और ज़रीना पर बहुत ही गर्व महसूस करती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।